प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। 51 दिन की यात्रा में क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा। इसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहां की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले क्रूज को जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई उसके बाद क्रूज का हूटर बजने लगा। गंगा विलास क्रूज रवाना हो गया दुनिया के सबसे बड़े रिवर सफर पर। पीएम ने इस दिन को काशी के लिए यादगार बताया। पीएम ने बताया कि क्रूज में सवार यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। क्रूज के जरिए काशी को समझने का मौका मिलेगा। ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। जो लोग अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी काशी की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। पीएम मोदी ने काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि टेंट सिटी आने वालों के लिए एक ही जगह पर आधुनिकता, अध्यात्म और संस्कृति का संगम नजर आएगा। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। गंगा विलास पूरी तरह से भारत में तैयार किया पहला रिवर क्रूज है। इस क्रूज में 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। रिवर क्रूज में 18 स्वीट और सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुवार को